के हम दोनों कलाकार के बीच में बड़े भैया नूरी साउंड सर्विस आपको भी हृदय से नमन कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। और साथ ही में प्रणाम कर रही हूँ केएस म्यूजिक जो कि फिरोजाबाद निवासी है, आपको भी हृदय से नमन करके प्रणाम कर रही हूँ और आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और आइए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं। ये रायबरेली जनपद से पधारी हुई एक एक छोटा मंडल निशा चंचल संकीर्तन मंडल रायबरेली की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। कि मीठे बोल बोलिए, मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती और इन्हीं से आजान होती है। ये तो समंदर के वो मोती हैं, ये तो समंदर के वो मोती हैं जिसमें इन इंसानों की पहचान होती है। क्या बात है, आइए ज्यादा समय न लेते हुए माता रानी के श्री चरणों में चलते हैं। माँ सरस्वती की छोटी सी वंदना, चलो चलो बेटा चलो। आइए जब भक्त माँ के दरबार में पहुँचता है, माँ सरस्वती के दरबार में पहुँचता है, तो मैया से कह क्या रहा है माँ? क्या वो भक्त माँ के दरबार में पहुँचता है और मैया से हाथ जोड़ लेता है। माँ के चौक पर खड़ा होकर मैया से कहता है कि ये माँ, तेरे दरबार में अनेकों भक्त आते हैं, हर प्रकार की अभिलाषा अपनी पूर्ण करते हैं। कोई कहता है कुछ दिला दे, कोई कहता है कुछ दिला दे, लेकिन मैया मैं तेरे दरबार में आया हूँ तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। और वो भक्त करता है क्या? कहता है माँ कि मैं Yeah.
और तुझसे ही है माँ स्वर्ग का उद्गम। अगर ये बेटी तेरे दरबार में खड़ी है माँ तो सिर्फ तेरी ही कृपा है। और कहना है क्या कि तुझसे मिट जाते सब गम। और मैया सुखद है क्या
कुछ जनी बोलत रही है जान में अवसान में एक चबाय आई है। देखो कितनी हंसी आई है। अब बताओ ले हाथ उठा करके माई के दरबार में जी के एक हाथ दिए वही मैया एक हाथ उठावे और जी के दो हाथ दिए दो उठावे जी के नंद न उठावे। अरे तो बगल वाले पकड़ लिए प्रेम से बोलिया दुर्गा माता की जय। वंदन गीत और उसके बाद में निशा चंचल जी के द्वारा जो प्रथम सवाल गीत हुआ है उसका जवाब फिर उसके बाद में अपनी ओर से बिल्कुल आना ना। क्या बात है। अब इधर उधर बहुत फटका मैया रानी मिली कहीं नहीं कहीं नहीं। और जब ढूंढते ढूंढते क्या ग्राम खेदीपुर में आया तो पता चला मैया रानी यहाँ बैठी हो। जब मैया रानी को देखा उनके चरणों में प्रणाम किया अनायास अनायास प्रीतम के मुख से निकला के द्वार द्वार इसलिए प्रीतम अनायास से निकल पड़ा है ना। द्वार द्वार ढूंढा तुम्हे हर द्वार ढूंढा द्वार और क्या चली आर माता तब से बड़ा हूँ तुम्हारे द्वार पे द्वार का बन के पहरेदार। ये मेरी औकात है ये मेरी औकात है द्वार का बन के पहरेदार माता तब से बड़ा हूँ तुम्हारे द्वार पे। बिल्कुल कम समय में अंतिम महामाई के चरणों में ये जो पंक्तियां हैं महामाई के चरणों में अंतिम पंक्तियां समर्पित है। एक कामना है भैया मैं आपके चरणों में आ तो गया हूँ लेकिन कामना क्या है ना
बेटा। और माँ हमारे आपके बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता है माँ बेटे का, ये कभी रिश्ता टूटता नहीं है। इसलिए माँ भूत भले हो जाए लेकिन माता सुनी ना कुमाता, माता सुनी ना कुमाता, भूत का भूत हो सकता है। इसलिए माँ मुझको है तुम पर ऐतबार, मुझको है तुम पर ऐतबार, माता तब से खड़ा हूँ तुम्हारे द्वार पे, द्वार तपन के पहरेदार, माता तब से खड़ा हो आशीर्वाद हमारे बड़े भैया रेणु पान की उनकी ओर से। ये बड़े स्नेही है बेचारे, इनके दुकान इनकी पान की दुकान पे जब पहुंचो ना तो बेचारे पान खिला देते हैं, पैसे नाम ही नहीं। बड़े दानवीर भैया है, अगर द्वापर में कर रहे तो गलती हुए बेचारे भैया। द्वार कपन के पहरेदार, माता कब से खड़ा हूँ तुम्हारे द्वार पे, भैया माननीय सम्मानी हमारे ब्रजेश भैया ग्राम खेती निवासी उनकी ओर से 11 रुपए का दान प्रदान है हमारे कल्याण करें। किस बात पर? द्वार गबन के अब सवाल सुना आपने निशा जी के, अब जवाब सुनिए।